मैं हूं नायाब चराग एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं आज की मेरी थीम है कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूंगी वो 700 से ज़्यादा महंगे नहीं होंगे यहां मैं ए पी के का ये प्राइमर यूज़ कर रही हूं और इसकी कीमत तकरीबन 400 से 500 सौ रुपये है क्योंकि मुख्तु शॉप वाले मुख्तफ कीमत देते हैं सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ इससे पहले मैंने इनकी स्किन को क्लीन कर लिया था ठीक है प्राइमर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है चेहरे पर इससे ये होता है कि बेस की ब्लेंडिंग में आसानी हो जाती है अगर पोर्स का इशू हो तो वो भी पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं और जो हमारी बेस है ना वो मतलब जो हमारी जल्द ऑयल प्रोड्यूस करती है उससे काफ़ी ये देर तक मतलब सेफ रहती है हमारी बेस जो हम यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमारे पोर्स लॉक हो जाते हैं और ऑयल जल्दी नहीं आ, आ सकता ठीक है इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी और मैं आ जाऊँगी मेकअप की तरफ यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिक क्रिस्टीन की और इसका जो नंबर है वो है 45 फ़ाइव सी एन फ़ाइव आई थिंक इसकी कीमत भी साढ़े छः सौ रुपये है मे बी आपको 600 तक मिल जाए लेकिन मुझे ये साढ़े छः सौ की आई है इसको मैं एज़ ए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसको ही मैं एज ए आई बेस यूज़ कर रही हूँ ठीक है यहाँ मैं कोई कलर करेक्टर कोई आई बेस कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी सिर्फ पॉइंट का मेकअप ही करूँगी ठीक है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अच्छा मेरी जो ये मॉडल है इनके आईब्रो नहीं बने हुए आपके सामने हैं और यहाँ पर आईब्रो वाला जो पार्ट है ना वो मुझसे मिस हो गया मतलब सेव ही नहीं हो पाया मुझसे अब मैं डायरेक्ट आपको आईब्रो की शेप ही बना के दिखाती हूँ ये देखें यहाँ पे मैंने यूज़ किया आईब्रो की शेप के लिए मिस रोज़ का जो जेल होता है ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये आईब्रो को बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है दिखने में तो ये ब्राउनिश शेड का होता है लेकिन जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये ब्लैकिश हो जाता है तो आईब्रो मैंने इनके सेट कर ली आईब्रो थोड़े थिक करने पड़े मुझे क्योंकि आईब्रो इनके बने हुए ही नहीं हैं अब सबसे पहले वो जो पायलट मैंने आपको पहले ही बताई थी मैंने मार्केट से तकरीबन पाँच की बाई की थी उसमें से एक ब्राउनिश औरेंज शेड लेके मैं क्रीज़ इनके डिफ़ाइन कर रही करी ठीक है ये पायलट मुझे बहुत ही अच्छी मिली थी बहुत देखिए बिल्कुल भी ये फॉल आउट नहीं होती और इसकी माशाल्लाह पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है ये लकीली मिली थी लेकिन मैं इसे यूजलेस समझती थी लेकिन आप पता चला कि ये बहुत ही अच्छी पाइलेट है आप मुझे यह इसे यूज़ करता देखेंगे ये भी मैंने 500 की ही बाई की थी लोकल मार्केट से अच्छा इस कलर को मैं अच्छे तरीके से क्रीज पर अप्लाई कर दूंगी और उसके बाद आउटर वी पे भी मैं इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूंगी आपने ब्लेंडिंग जो है ना यहाँ पे थोड़ी ध्यान से करनी है अच्छे तरीके से ब्लैंड करनी है कलर की उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद अब नेक्स्ट इसमें देखें ये जो पर्पलिश शेड है ये मैट शेड है शिमरी शेड नहीं है अब मैं इसको लूँगी और फिर मजीद मैं अपने कलर को जो क्रीज पे अप्लाई किया है इसको डेप्थ देने के लिए मैं इस कलर को अप्लाई करूँगी इस कलर को अच्छे तरीके से लेकिन मैं इस कलर को आउटर की तरफ सॉरी इनर की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी इसका फोकस मैं आउटर पर ही रखूँगी आ, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है स्पीड मैंने नहीं तेज़ की हुई मैंने कहा मेरी जो आ, प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो सुकून से देखें क्योंकि एंड में जो लुक बनती है और जब जब हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है मैंने पहले इनकी फ़ाइनल लुक की पिक ऐड कर दी हैं वो तो आपने देख ली होंगी तो आई का मेकअप इस तरीके से हुआ है ठीक है आउटर व्यू को अच्छे तरीके से इस कलर से मैं डेप्थ दे रही हूँ एक प्यारा सा शेड हमारे पास आ जाएगा ब्राउनिश पर्पलिश इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने से अब मैं थोड़ा सा हल्का सा इनर साइड की तरफ इसको लेके जा रही हूँ और बस यहीं पे एंड कर रही हूँ अब थर्ड में कलर जो आई पे अप्लाई करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ ब्लैक कलर इनकी आइज़ पर अप्लाई और ब्लैक कलर मैं यहाँ ले रही हूँ ये थोड़ा सा वेट कलर जो है वो ले रही हूँ और एक छोटे से फ्लैट ब्रश की मदद से मैं पहले एक छोटा सा वी क्रिएट कर लूँगी इनर साइड की तरफ और फिर अच्छा जिस तरह जब आप कोई कलर लें ना जिस तरह ये वेट फॉर्म में मैंने कलर लिया है तो इसको आपने जल्दी जल्दी ब्लेंड करना है क्योंकि अगर ये खुश्क हो गया तो फिर ये ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू करेगा जैसे ही ये गीला हो तो आपने इसको अप्लाई कर देना है अब इसका फोकस मैं इनर साइड की तरफ ज़्यादा रखूँगी आउटर अभी मैं नहीं आऊँगी इनर साइड पर मैं इसको अपनी हाफ क्रीज के साथ भी ब्लैंड कर दूँगी और पहले जो दो कलर लिए थे उनके साथ अच्छे तरीके से ब्लैंड कर दूँगी और ज़्यादातर फोकस अभी मेरा फ़िलहाल इनर साइड की तरफ है और एंड में मैं अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जब ये ब्लेंड हो जाएगा और इसका कलर काफ़ी ब्लर हो चुका होगा ब्लैक का तो फिर इस कलर को मैं अपने आउटर वी की तरफ जो मैंने ये बनाया है सेलो टेप लगाई हुई है तो इसके साथ में ब्लेंड कर दूंगी यहाँ मेरा ये जो एज है ये हार्श नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो ब्लैक की शार्पनेस है वो ब्लर हो चुकी है लास्ट में हल्का सा ही मैंने आपने देखा अप्लाई कर दिया अच्छा अब ये मिस रोज़ का वाटर कलर है तकरीबन साढ़े तीन सौ का मुझे मिला था शैम्पियन कलर का है अब मैं इसको इनकी लेट पर अप्लाई कर दूँगी अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्रीज़ आप मतलब जो आपने स्टार्ट में बनाई है इसको आप माइंड में रखें और इसी क्रीज़ के साथ ही इस कलर को आप अप्लाई करते आएँ इससे आपको दोनों कलर्स जो है ना बराबर लगेंगे आपकी अक्सरियत यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है बिगनर से अप डाउन लग जाते हैं तो इस क्रीज को ही आपने साथ लेके आना है और इस कलर को अप्लाई कर देना है देखिए बहुत ही प्यारा ये कलर अप्लाई हो गया और फिर इसको ब्लैक के साथ में आके स्मैच कर दूंगी इससे ये होगा कि इसका जो वो शार्पनेस लुक है वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक आपको समझ आ गई अब मैं इनकी आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ सीलर सीलर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ यहीं जो लोकल मार्केट में मिलते हैं कोई शॉप वाला पचास का दे देता है तो कोई सौ का दे देता है मुख्तलिफ है एक बार तो मैंने दो सौ का भी ये लिया था लेकिन ये इतना महंगा नहीं है तकरीबन सौ के करीब ही आ जाता है अच्छा अब इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्रिस्टीन का जो डस्ट फॉर्म में आता है 160 का ये आता है अब आई थिंक ये 200 का हो गया होगा डस्ट शॉप वाले 200 का देते हैं लेकिन अगर हम ऑनलाइन इसे बाई करें उनकी इंस्टा के पेज से तो वहाँ पे इसकी प्राइस तकरीबन 160 बताई जा रही होती है तो इस डस्ट को मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूँगी फ्लैट ब्रश की मदद से आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस कलर को मैं थोड़ा ब्लैक के साथ भी आके स्मच कर दूंगी ताकि ये कलर जो है अलहदा से रखा हुआ नज़र ना आए थोड़ा इसके साथ स्मच हो जाए इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर ग्लिटर 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 अप्लाई करने से पहले मैं इनके इसको मतलब ब्रोबोन को हाईलाइट कर रही हूँ इसी ही पायलट में से ये जो आपने सिल्वर वाइटिश कलर देखा है इससे मैं इनके ब्रोबोन को भी हाई हाईलाइट कर लूँगी और इसी कलर से मैं इनके मतलब केयर डक को भी हाईलाइट कर लूँगी ये ऑप्शनल है सब कुछ कलर आप जो भी लें जो भी रखें अच्छा ये कलर जो मैं आइस की थीम बना रही हूँ ना ये हर लुक पे चल सकती है निकाह लुक में चल सकती है ब्राइडल लुक में आ सकती है ये आइस उसके अलावा वलीमा लुक में आ सकती है अच्छा अब मैं टीवी पॉलर की किट मैंने ली थी तकरीबन 700 की बहुत ही प्यारे कलर हैं बगैर सीलर के ही ये फ़िक्स हो जाते हैं इसमें से मैंने सिल्वर कलर लिया और हल्का सा इनकी आ, मतलब आई वॉल पे टैप कर दिया इनर साइड की तरफ नहीं लेके गई सेलो टेप हटाई देखें आप कितना प्यारा शार्प एज हमारा बन गया और बहुत ही बिल्कुल नीटनेस से बन जाता है टेप लगाने से ये होता है कि हमें तसली होती है कि जो हमारे दोनों साइड हैं वो प्रॉपर बनेंगी अब आई लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ आई लैशेज़ भी टी वी पॉलर वालों की ली हैं तकरीबन दो की आ जाती है। मैंने पूरा पैक लिया था इनका पैक में तकरीबन दस आई लैशेज़ थी और ये मुझे चौदह सौ का मिला है और बहुत ही सस्ता मिल गया इस बार तो मुझे आई लैश इनकी आई लैशेज़ बहुत ही प्यारी होती हैं आप कभी यूज़ करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएंगी ठीक है अब मैं इनकी इनर साइड पे थोड़ा सा आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ी नोक बनाऊँगी अभी यहाँ पर मेरा हाथ मसला कर रहा था जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा था मैंने एंगल भी चेंज किया लेकिन चलिए कोई नहीं अब आपको नज़र आ रहा होगा ज़्यादा भी मैंने इसको शार्प नहीं किया हल्का सा अब मैं आई लाइनर अप्लाई करी यहाँ लैशेज लगाने से पहले मैंने आई लाइनर अप्लाई नहीं किया था आपकी मर्ज़ी आप पहले अप्लाई करें या लैशेज़ अप्लाई करने के बाद जैसे आपको इजी लगे आप अप्लाई कर लिया करें ठीक है इससे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मुझे लैशेज लगाने के बाद अच्छा लगता है आई लाइनर लगाना तो मैं लैशेज लगाने के बाद ही अप्लाई करती हूँ तो ये एक आंख का मेकअप हो गया आप दूसरे आंख का मेकअप करके मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों आंखों का मेकअप मैंने कर लिया एक आंख का मेकअप मैंने ऑफ़ कैमरा किया था क्योंकि अगर ऑन कैमरा करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी अभी भी माशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन डिटेल से बताने के लिए वीडियो को लंबा बनाना ही पड़ता है अगर फास्ट स्पीड कर दें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हर वीडियो में टोटल पॉइंट ही आपके साथ डिस्कस करूँ अच्छा यहाँ मैं अब वही क्रिस्टीन की स्टिक जो मैंने पहले आपको दिखाई है सी एन ए फोर्टी फाइव नंबर की साढ़े छः सौ की ली थी ये मैंने इनके फेस पर अप्लाई कर दिए अब मैं इनके आईब्रो को भी अपर साइड से नीट कर लूँगी ताकि ये थोड़े से जो ब्लैक लग रहे हैं ये थोड़ा इनका कलर ब्लर हो जाए और वैसे भी बेस लगाने के साथ हमारा जो कलर जितना भी आईब्रोज का डार्क हो वो बेस अप्लाई करने के बाद थोड़ा डिम हो जाता है क्योंकि बेस की भी एक सफ़ेदी आ जाती है कलर आ जाता है तो इससे ये फिर बाद में प्यारा लगने लग जाता है अगर आप अप्लाई करें ना इसको इनका जो कलर है आ, मिस रोज का आईब्रो जेल वो दो आ जाते हैं तकरीबन साढ़े तीन सौ में दो एक काजल होता है जेल काजल और एक ये आईब्रो जेल होता है तो आप इसको पानी में डिप कीजिएगा और फिर हाथ पे निकाल के थोड़ा सा ब्रश पे लेके लगाइएगा फिर ये अच्छा लग जाता है ठीक है लेकिन साढ़े तीन सौ में दो चीज़ें आ जाएँ तो ये बहुत ही अच्छी है ऑफ़र है आपके लिए आप ज़रूर बाई कीजिएगा अब मैं यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया जो स्टिक ली थी अब मैं मजीद ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी इनकी कंप्लेक्शन में आप थोड़ी ले कर ब्लैंड करते जाएं इससे आप आराम से कवर कर लेंगे अपनी बेस बना लेंगे ठीक है अच्छा ये जो मैं बेस बना रही हूँ वाटर प्रूफ बेस है यकीन करें पाँच घंटे गुजर गए थे और मेरी कज़न का ये जो मेकअप है एज इट इज़ रहा उसने खाना भी खाया मैंने इनकी हेयर स्टाइल किया इनकी हमने पिक्स वगैरह बनाई बिल्कुल भी नहीं ला स्टार्ट में आप गौर करें अगर पीछे करके वीडियो को तो इनको पसीना आ रहा था लेकिन जैसे ही मैं ये बेस इनके चेहरे पर अप्लाई कर दूंगी तो पसीना बिल्कुल गायब हो जाएगा ये बेस वाटर प्रूफ है आपके साथ ये जो बेस की आज मैं टेक्निक्स और कलर शेयर करने जा रही हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी हम अपनी स्टिक को ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से अब ब्लेंड करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको बताती हूँ कि मैंने क्या अप्लाई किया अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इंडियन पेनकेक का नंबर चौबीस लिया है ये पिंकिश है आपने देखा होगा काशी वाले मेकअप में वो पिंक जो उनके पास एक कॉम्पैक्ट होता है वो यूज़ करते हैं तो उससे उनकी जो बेस है ना वो बिल्कुल पिंकिश और प्यारा सा ग्लो देती है तो देखिए अभी अप्लाई कर रही हूँ बेस जो आपको थोड़ी पिंक पिंक होती नज़र आएगी ये जो कम्प्लैक्शन इनकी थी मेरी कज़न की ये बेस इनकी आ, मतलब कम्प्लेक्शन बहुत ही प्यारी लग रही थी बहुत ही प्यारी और अक्सरियत हम लोगों की कम्प्लेक्शन भी इस तरह की होती है कोई चंद एक होते हैं जिनका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर हो तो ये डिम कलर पर भी चल जाएगी गंदमी कलर पर भी चल जाएगी सांवली पे भी चल जाएगी ये जो दोनों कलर मैं आपको बता रही हूँ ना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे ठीक है अच्छे तरीके से स्पंज को के ऊपर लेके प्रोडक्ट मैं टैप टैप करती जा रही हूँ और वो ये स्टिक भी अच्छे तरीके से सेटल होती जा रही है अभी आपको ये पिंक पिंक नज़र आ रही है ये टेक्निक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं सबकी प्राइस आपको बताती जा रही हूँ नाम बताती जा रही हूँ कि किस किस कंपनी से और कितने कितने के मैंने बाय किए हैं तो आपको आसानी हो जाएगी ठीक है अच्छे तरीके से तसली कर लें टैप टैप कर लें अब देखें बेस आपको वो स्टिक जो पहले थोड़ी हार्श लग रही थी वो भी सेटल हो गई इसकी अच्छे तरीके से अच्छा इनके चेहरे की ना कोई थ्रेडिंग हुई है और इनके चेहरे पर अच्छे खासे बाल हैं फोरहेड पे फेस पे तो ये कुछ बेस ने उन हेयर्स को भी कवर कर दिया इसका ये भी प्लस पॉइंट था अब यहाँ पे मैं मिस रोज़ का लूज पाउडर ले रही हूँ ये साढ़े तीन सौ का मैंने लिया था उनके पेट से अब मैं इसको अप्लाई कर रही करूँ मैंने आपको बताया है पहले भी कॉम्पैक्ट लूज़ जो भी आप लें उसको अच्छे तरीके से टैप टैप करके लगाया करें क्योंकि जितना ज़्यादा बेस ने ऑब्ज़र्व करना होता है बेस ऑब्ज़र्व कर लेती है सेटल होने के लिए और बाकी तो वो डस्ट आउट हो जाता है पाउडर की टेंशन ना लिया करें ठीक है अब देखिए फ़र्क देखें मैं इसको अप्लाई करती जा रही हूँ और माशाला बेस में कितना प्यारा ग्लो आता जा रहा है अच्छा यहाँ रोज़ का जो लूज़ पाउडर का कलर नंबर है वो मैंने नंबर फाइव लिया था थोड़ा विटिश कलर में है गंदमी कलर में आ जाता है बिल्कुल वाइट नहीं है थोड़ा जिस तरह ये गंदमी कलर होता है ना इस तरह का कलर है तो ये देखें कितना प्यारे तरीके से पिंक और हमारा फोर्टी फाइव भी गंदमी टोन में आ जाता है तो ये सब मिलके एक बहुत ही मतलब प्यारी लुक दे रहे थे बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं और इन अफोर्डेबल प्रोडक्ट से आप बहुत ही आउट क्लास का मेकअप कर सकते हैं वाटर प्रूफ बेस लॉन्ग लास्टिंग बेस ना ऑयल इसके ऊपर आएगा ना पसीना आएगा ना बेस फटेगी ना ग्रे होगी हालांकि कोई भी करेक्शन नहीं किया हमने इनके फेस पे और हालांकि अच्छी खासी करेक्शन की ज़रूरत थी अब यहाँ मैं कंटोरिंग के लिए ये मैं क्रिस्टेन की किट ले रही हूँ इसका जो नंबर है वो है ज़ीरो वन ये मुझे साढ़े चार सौ की मिली है ये भी मैंने मार्केट से खरीदी थी अब पता नहीं इनके पेज से चार सौ की है या पाँच सौ की है इसी तरह से होगी यहाँ इनका फ़ेस है गोल अब देखिए मैंने गा चीक्स की भी कंटोरिंग की और यहाँ चिन की भी की और यहाँ साइडों से भी जो इनका माथा है ना उनकी साइडों की भी मैं साथ साथ कंटोरिंग कर रही हूँ इससे ये होगा कि आ, ओवल फेस में आ, ओवल शेप में इनका फ़ेस आ जाएगा तो यहाँ कंटोरिंग आपने गौर से देनी देखनी है कंटोरिंग वाली साइड मैंने नहीं ज़्यादा स्पीड की अच्छे तरीके से आपको चेक कराने के लिए अच्छे तरीके से कंटोरिंग की ब्लेंडिंग करनी है आपने देखें अब आप इनके फेस को देखें बिल्कुल ही माशाल्लाह ओवल सी फेस इनकी शेप बन गई है पहले देखें तो पहले इनकी जो फ़ेस शेप थी गोल थी अब मैं इनकी नोज़ की कंटोरिंग कर रही हूँ नोज़ इनका छोटा था लेकिन ब्रश थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अप्लाई कर रही थी ताकि इनका जो नोज़ है ना वो थोड़ा ऊँचा नज़र आए यहाँ से इनका नोज़ थोड़ा सा मतलब छोटा है तो अच्छे तरीके से इस तरह सीधा सीधा लेके जाना है प्रोडक्ट बहुत थोड़ा लेना है आपने प्रोडक्ट और बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं स्टार्ट में आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है फिर उसी एंगल से आपने इसको ऊपर की तरफ आईब्रो की साइड में आपने ब्लेंड कर देना है ठीक है नोज़ की कंटोरिंग भी आपको बता दी मैंने आज गोल फेस की भी बता दिया इनशाला नेक्स्ट और फेस डायमंड फेस था उस लड़की का जिसके ऊपर मैंने पहले मेकअप किया था उसकी भी डिटेल कंटोरिंग मैं आपको बताऊंगी इन शाला अब ब्लश ऑन अप्लाई करी हूं और ये मैं पीच कलर का अप्लाई कर रही करी हूं। अपने क्लाइंट से कहिएगा स्माइल करें स्माइल करने से फेस की शेप जो है ना वो प्यारी सी बन जाती है तो ब्लश ऑन लगाने का आसान से हमें पता चल जाता है कि जहाँ पे स्माइल करें हमें यहीं पे ब्लश ऑन अप्लाई करना है एप्पल साइड में अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन में पीच कलर का और इसको आके अपनी कंटोरिंग के साथ ब्लेंड कर दूंगी कंटोरिंग हम आ, मतलब नीचे की डायरेक्शन में करते हैं और जो ब्लश लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर देते हैं और थोड़ा इसको नोज़ की तरफ आप लेकर आएँ ताकि वो थोड़ा सा प्यारा पीची पिंक इफेक्ट आ जाए पूरे चेहरे पर नहीं तो आपको पता है बेस कितना वाइट वाइट लगती रहती है कंटोरिंग अप्लाई हो गई ब्लश ऑन भी अप्लाई हो गया हमारा Osionfish. अच्छा अब इसके बाद मैं आपको इनकी आइज़ के नीचे हमने कलर अप्लाई करना है और आइज़ के नीचे मैं यहाँ पे जो कलर अप्लाई कर रही हूँ वो जो हमने पहले पर्पल कलर लिया था इनकी क्रीज़ के लिए वही कलर मैं अप्लाई ले रही हूँ वही कलर ले रही हूँ और उससे उससे पहले अब मैं यहाँ इनकी आँखों में और फ्लेम का काजल ले रही हूँ काजल लगाना पहले मैं भूल गई थी और पहले मैं आ गई थी इधर इस पर इनके आई के नीचे कलर अप्लाई करने के लिए और इस का काजल बहुत पसंद आया मुझे बहुत ही पसंद आया ये मैंने ऑफ़र में इनका मस्कारा और इनका काजल लिया था ये भी तकरीबन इनकी प्राइस भी ऑफर में 700 के नीचे आई थी लेकिन वैसे इसकी प्राइस 700 है काजल की ओरिजिनल प्राइस और इसके मस्कारे की प्राइस तकरीबन 1000 से ऊपर है मस्कारा भी आगे मैं इनका यूज़ करूँगी लेकिन मैंने ऑफ़र में लिया था तो ये सात से नीचे मिली हैं तो इसलिए मैंने यूज़ कर सकती थी अच्छे तरीके से मैंने काजल के साथ कलर को जो पर्पल कलर था उसको ब्लैंक आउट कर दिया ठीक है अब मैं इस साइड की थोड़ी आईब्रो की नोक सॉरी इनर साइड की नोक बना रही हूँ यहाँ भी मेरा हाथ मसला कर रहा है देखें इस तरह से और दूसरी साइड को भी फिर फ्रेश कर रही हूँ क्योंकि बेस अप्लाई की कंटोरिंग तो वो थोड़ी ब्लर हो गई अब दूसरी साइड को भी आप साथ साथ टच करते रहा करें जहाँ से आपको लगे ना मेकअप आपका थोड़ा ख़राब हो रहा है तो आप फिर से उसको टच कर लिया करें अब हाईलाइटर अप्लाई करी ये भी मैंने लोकल ही लिया था तकरीबन साढ़े का ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है इसका पिगमेंट है आप देख रहे हैं साफ़ नज़र आ रहा है इसकी एप्लीकेशन कोई भी महंगा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया हाईलाइटर कहाँ यूज़ करते हैं ये भी अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ जिन जगहों को हमने प्रोमिनेंट करना होता है वाजे दिखाना होता है जिस तरह यहाँ पे मैंने ब्लशन अप्लाई किया नोज़ की टिप है क्योंकि साइडों से तो हम कंट्रोलिंग कर देते हैं और चिन है होंटों के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारी लिप्स के लिए शेप आसानी से आ जाए अच्छा अब हम अप्लाई करते हैं इनको मस्कारा वहीं और फ्लेम का है मैंने आपको पहले बताया था मस्कारा बहुत बेस्ट है वाटर प्रूफ है अच्छा स्टिकी नहीं है बिल्कुल ही प्रोडक्ट लैशेस पर अप्लाई होता है और यहाँ वहाँ मतलब ये नहीं गिरता अक्सरियत मस्कारा लगाते हुए वो मस्कारा इतना ज़्यादा स्टिकी होता है वो थोड़ा सा इधर फॉल आउट हो जाता है या लैशेस पे चिपक जाता है तो अच्छा खासा हमारे मेकअप को डिस्टर्ब कर देता है ठीक है अब मैं यहाँ या इनका मेकअप टोटल पूरा हो गया अब लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ पहले मैंने लिपस्टिक को शेप आउट कर दिया ब्रश से ताकि मुझे अंदाजा हो जाए हो जाए कि मैंने इनकी लिपस्टिक कितना वर्क करना है लिपस्टिक पे लिपस्टिक यहाँ पर मैं कलर जो अप्लाई इनका कर रही थी ये ना तो रेड था और ना ही ये मैं आपको बताऊँ कि शॉकिंग पिंक था ये इन दोनों का कोई मिक्स कलर था ये मैंने तकरीबन डेढ़ सौ की ख़रीदी थी लोकल मार्केट से एक साइड पे लिप ग्लॉस आ जाता है और दूसरी साइड पे लिपस्टिक होती है डेढ़ सौ की तो काफ़ी अच्छी मिल गई थी और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी खाना खाने की भी बात ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई जिस तरह अक्सरियत लिप ग्लॉस वो हो जाते हैं छिलकों की तरह बन के उतरने लग जाते हैं तो इसके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ आप देख लें इसको किस तरह की है अगर आपको मिले तो इसको लाजमी आपने बाई करना है ठीक है अच्छे तरीके से अब मैं इनके ओंटों को थोड़ा सा बढ़ा कर रही हूँ इनकी शेप को क्योंकि होंट काफ़ी छोटे हैं इनके तो थोड़ा सा इनके होंठों की शेप को मैं आउटर की तरफ बढ़ा रही हूँ मोटे मतलब होंठ बनाने की कोशिश कर रही हूँ देखें आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लिपस्टिक अप्लाई करनी है और जहाँ आपको लगे सही नहीं है आपने फिर वहाँ से ठीक कर लेनी है एप्लीकेटर के साथ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ आप ब्रश के साथ लगाएं या किसी भी चीज़ के साथ अप्लाई करें जिसके साथ आपको इजी लगे आप अप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो गया इनका मेकअप अब मैं इनका मेकअप आप अच्छे तरीके से देखें कैमरे को जूम भी करती हूँ थोड़ा सा लेकिन कैमरा जूम करते ही ब्लर हो जाता है अब मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये मैंने इनका हल्का फुल्का हेयर स्टाइल बनाया था और फिर इनको थोड़ी सी ज्वेलरी पहनाई थी ड्रेसिंग की थी इनकी हमने क्योंकि इससे पहले मेरी कोई भी मतलब ड्रेसिंग वाली नहीं थी वीडियो स्टाइल वाली वीडियो नहीं थी एक ट्रेडिशनल लुक दी है इन्हें हमने मेकअप देखें अभी आपको समझ आई होगी कि वो सिल्वर और ये मैं क्यों यूज़ कर रही थी तो ये ये इनकी फ़ाइनल लुक है उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अल्लाह हाफिज़